हेलो एवरीवन। तो हम सेकंड ईयर की क्लास ले रहे हैं और सेकंड ईयर की क्लास में हम देख रहे हैं ईएफएम पेपर 2 और बुक का नाम है आपके इस पेपर का नाम जो होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। चैप्टर है आपके ब्रेक इवन एनालिसिस। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब आपके है, हिंदी में इसे बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। और इसका मतलब ये है कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो देखिए प्रोडक्शन में कोई ना कोई कॉस्ट आएगी, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, वेरिएबल कॉस्ट होगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी और फिक्स कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे जो हम कॉस्ट को देखते हैं केवल दो पार्टीशन में देखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इन दोनों का जो टोटल होगा उसे हम कहेंगे टोटल कॉस्ट, और उसके बाद प्रॉफिट जोड़कर हम माल को सेल्स करेंगे। तो सेल्स प्राइस में हमारे पास जनरली तीन चीज़ें होती है, आपके पास होगी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। ये तीन चीज़ें जोड़ के आप सेल्स होती है। हर फर्म जानना चाहती है कि कितना प्रोडक्शन करे, कितना सेल करे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और हर फर्म का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो इतना माल बेचती है कि उसे कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता, और उससे ऊपर अगर माल बेचे तो उसे निश्चित रूप से प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, और जितना ज़्यादा माल बेचेगी कंपनी को या फर्म को उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर उस लेवल से नीचे हम माल बेचते हैं तो वहाँ पे उसको लॉस होना शुरू हो जाता है, और जितना नीचे जाएंगे उतना लॉस होता जाएगा। तो वो पॉइंट जहाँ पर फर्म की सेल्स उसकी कुल लागत के बराबर होती है या टोटल कॉस्ट के बराबर होती है सेल्स, उस पॉइंट को हम कहते हैं नो प्रॉफिट और नो लॉस पॉइंट या ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूं अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि देखिए यहां पे हम जो कॉस्ट को देखते हैं उसको दो नज़रिए से देखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोडक्शन का वो पार्ट होती है जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होती है, उसी के रेशो में इंक्रीज और डिक्रीज होगी जिस लेवल में प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। अगर आप प्रोडक्शन को 10% इंक्रीज करेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी उसी रेशो में इंक्रीज हो जाएगी, और अगर प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी प्रोडक्शन के रेशो में डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इस टाइप की जो कॉस्ट होगी उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। इसी तरह फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन का कोई भी लेवल हो, आप प्रोडक्शन को कितना भी इंक्रीज कर दिए या कितना भी डिक्रीज कीजिए, फिक्स कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। फिक्स कॉस्ट जितना पहले लगती थी उतनी ही चार्ज होगी, ना कम होगी और ना ज्यादा होगी। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट समझ गए, फिक्स कॉस्ट समझ गए, इन दोनों का जो टोटल होता है उसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। जब भी फर्म अपना प्रोडक्ट सेल करेगी तो उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन रखेगी जो प्रॉफिट कहलाएगा आपका। जैसे कि आपने 100 रुपये में कोई प्रोडक्ट बनाया तो निश्चित रूप से आप उसे 100 से ऊपर में सेल करेंगे, या 110 या 120 या 130 में सेल करेंगे, जितना भी आप ऊपर लेंगे वो आपका प्रॉफिट है। अब बात कर रहे हैं हम बीईपी की या ब्रेक इवन एनालिसिस की। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, किसी भी फर्म के आप सेल का वो पॉइंट होता है जहां पे उसकी जो सेल्स होती है वो उसकी टोटल कॉस्ट के बराबर होती है, यानी कि अगर उससे ज़्यादा माल बेचा तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, और अगर उस लेवल से कम आप सेल करते हैं तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। फर्म का सेल्स का वो लेवल जहाँ पे फर्म की कुल लागतें या टोटल कॉस्ट इक्वल हो सेल्स के, वो आपका क्या कहलाता है, बीईपी या ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे उसकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल है वो सेल्स के बराबर है, ना उस पे प्रॉफिट हो रहा है और ना उस पे लॉस हो रहा है, ऐसा पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। हर फर्म जानना चाहती है कि अलग अलग लेवल पे सेल्स के अलग अलग लेवल पे फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, और लॉस को कवर करने के लिए जो टोटल कॉस्ट है उसको कितना डिक्रीज किया जाए और मार्जिन को कितना इंक्रीज किया जाए जिससे कि फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसी के लिए हम ब्रेक इवन पॉइंट की जो टेक्निक्स है उन टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। तो इस क्वेश्चंस को जब इसके जो क्वेश्चंस हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ये,
और ये चैप्टर आपके 40 मार्क्स को कवर करता है। 20 मार्क्स का ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपकी बुक है ABST का पेपर 2 है, उसमें भी ये मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से चैप्टर आपको दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 13 होगा BCOM सेकंड ईयर में, और BCOM सेकंड ईयर में ही EFM का पेपर 2 है, ABST के पेपर 2 में भी है और EFM के पेपर 2 में भी ये चैप्टर ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से है। ब्रेक इवन एनालिसिस को कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस भी कहा जाता है, या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहा जाता है। तो देखिए, सेल्स में मैंने आपको बताया वेरिएबल कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट होगी, इन दोनों का जो टोटल होगा उसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं, और उसमें अगर प्रॉफिट जोड़े तो आपकी सेल्स आ जाएगी। इसी तरह कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे तो जो बचेगा उसे हम कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, इन दोनों का जो टोटल होगा, भाई सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे आप तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को भी आप क्या कहेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन। इसी तरह कॉन्ट्रीब्यूशन का एक और फार्मूला होगा आपके सेल्स, इसको आप PV रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 100। ये जो फार्मूला होगा ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होगा। PVR रेशो में होता है तो ऑटोमेटिक ही डिवाइड है, 100 में मैंने कर दिया है, इसको आपके आसानी के लिए लिख देता हूँ, वरना इसका फार्मूला यही होता है सेल्स मल्टीप्लाई बाय PVR। रेशो में होता है इसीलिए डिवाइड 100 करना है। तो अब आप दोबारा मत कीजिएगा, बस एक ही बार 100 लगाना है अपने को। तो सेल्स का, सेल्स ये होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन आपके ये होता है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में, जैसे ये एक क्वेश्चन मैंने आपको लिख रखा है, तो क्वेश्चन में देखिए आप 50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है गिवन नहीं हो। तो जब गिवन नहीं हो तो आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके भी कॉन्ट्रीब्यूशन पता लगा सकते हैं, या फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके भी कॉन्ट्रीब्यूशन पता कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपको BEP सेल्स गिवन है, अगर आपको BEP सेल्स गिवन है, तो BEP सेल्स में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंट्रीब्यूशन में केवल फिक्स कॉस्ट ही होगी, प्रॉफिट और लॉस तो होता ही नहीं है। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि BEP सेल्स का मतलब सेल्स का वो पॉइंट जहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का जो टोटल है वो सेल्स के बराबर है, उसी को हम BEP सेल्स कहते हैं। मतलब उसमें ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस हो रहा है। तो BEP सेल्स की कंडीशन में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं BEP सेल्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, किस केस में, BEP सेल्स के केस में। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है C/S। सी का मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, जो आपने यहाँ पे निकाला है। तीनों में से आप किसी भी फॉर्मुलेशन को यूज कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप सी की जगह किसी भी तरीके से रख लीजिए, F+P को भी ले सकते हैं आप। F और P का मतलब भी C है, इसलिए मैंने डायरेक्ट C का यूज किया है यहाँ पे। एक फॉर्मूला और आप इसके लिए यूज कर सकते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के लिए, चेंजेज इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेज इन सेल्स। चेंजेज इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेज इन सेल्स, ये भी एक फार्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। एक्चुअली देखिए, अलग अलग फार्मूलों का यूज अलग अलग कंडीशन में होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन दी हुई है और कौन सा फार्मूला यूज हो सकता है। जैसे फिलहाल देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप दोनों ही फार्मूले यूज कर सकते हैं, सेल्स और वेरियंस।
सेल्स भी आपको गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को आप लेस कर दीजिए, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स भी गिवन है आपके पास, वेरिएबल कॉस्ट भी है, दोनों को लेस करके आप कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। अगर आपको फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, तो भी आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में देखिए, फिक्स कॉस्ट गिवन है 30,000 और प्रॉफिट गिवन है 20,000, तो 30 और 20, तो फिक्स कॉस्ट आप ले सकते हैं 30,000, प्रॉफिट आप ले सकते हैं 20,000, दोनों का टोटल करेंगे तो भी आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं 50,000। तो 30 और 20 फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों है, तो दोनों का टोटल करके भी मैं कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकता हूं। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स थी 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 150, तो 2 लाख में से 1,50,000 लेस करेंगे, ये भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन की 50,000। तो दोनों में से कोई सा भी फार्मूला यूज कर लीजिए, आपको दोनों फार्मूले से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, किसी भी एक फार्मूले से अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ठीक है। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में कभी सेल्स ही गिवन नहीं हो, या हो सकता है कभी फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं हो, या हो सकता है कभी प्रॉफिट गिवन नहीं हो। तो जब गिवन ही नहीं होगा तो आपको उस वक्त देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। जो फार्मूला अप्लाई हो सके आपको वही फार्मूला यूज करना है, इसीलिए मैं फार्मूले लिख रहा हूं। तो देखिए, आपको सेल्स का मतलब मालूम है, कंट्रीब्यूशन का मतलब मालूम हो गया, पीवी रेशो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे देखिए, फर्स्ट नंबर पे आपने कैलकुलेट किया कंट्रीब्यूशन, सेकंड नंबर पे आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशो, थर्ड नंबर की बात करते हैं, थर्ड नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे बीईपी इन यूनिट, और बीईपी इन यूनिट और इन रुपीज। तो देखिए, इन रुपीज में फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। ये रेशो है, यानी कि 30/100 था, तो मैंने 100 ऊपर ले गया, तो मैंने यहाँ पे आपको आराम रहे, आपको आसानी रहे, इसलिए मैं यहीं पे इसको इंटू कर देता हूँ 100 से। इन यूनिट में अगर आप देखें तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये भी फार्मूला होगा। दोनों में से कोई सा भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, बीपी इन रुपीस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बीपी इन यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी फार्मूला आप यूज करके बीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर फोर्थ पे हम यूज करेंगे डिजायर सेल्स, डिजायर सेल्स के लिए जो फार्मूला हम काम में लेते हैं वो है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए, बीईपी सेल्स के लिए ये फॉर्मूला काम में लिया, डिजायर सेल्स के लिए आपने काम में लिया फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिजायर सेल्स आपकी कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स इन रुपीज। तो देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला जो आपको यूज में लेना है वो है आपके लिए एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बीईपी सेल्स आपने कैलकुलेट कर ली होगी फॉर्मूले से, तो आपके जो डिफरेंस बचेगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब यही है कि आप कितना मार्जिन लेके चल रहे हैं, अगर वो कम हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट से है, जितना आप ऊपर लेके चलेंगे उतना आपको फायदा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होने का मतलब ये है कि अगर बीईपी सेल से इतना मार्जिन लेके चलते हैं, ये जितना कम होता जाएगा उतना आपको प्रॉफिट कम होता चला जाएगा, और अगर ये नेगेटिव में गया इसका मतलब आपको लॉस होना शुरू हो गया, इसके नेगेटिव में होने का मतलब है आपको लॉस हो रहा है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये है आपको जो सेल्स है वो बीईपी के बराबर है, वहां पर आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना कोई लॉस हो रहा है। अब सिक्स नंबर पे परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने लिखा, अपॉन में किया एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय
100, तो इससे आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। तो देखिए अब तक आपने 6 चीज़ें कैलकुलेट कर ली है, नंबर फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, नंबर टू पीवी रेशो, और नंबर पीवी रेशो के आपने दोनों फार्मूले लिखे, फिर बीईपी के भी आपने दो फार्मूले लिखे, इन रुपीस में कैसे कैलकुलेट करना है और इन यूनिट में कैसे कैलकुलेट करना है। नंबर फोर पे आपने कैलकुलेट किया डिजायर सेल्स, नंबर फाइव पे आपने कैलकुलेट किया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और नंबर सिक्स पे आपने कैलकुलेट किया परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये फार्मूले मैं आपको इसलिए एक साथ लिखवा रहा हूँ ताकि अगर आप लिख रहे हो तो एक फार्मूले आपके एक साथ एक ही पेज पर आपको मिल जाएं, क्योंकि क्वेश्चन में फिर अलग अलग जो क्वेश्चन में पूछेगा फिर हम वही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको इरेज कर दिया। आप अगर आपको इन फार्मूलों को नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके फार्मूले नोट कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के बाद फिक्स कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करनी हो क्वेश्चन में, तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कई बार हमें फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं सेल्स इनटू पीवीआर, ये हमने पहले भी बताया था पीवीआर पीवी रेशो को यूज कर रहे हैं हम, माइनस प्रॉफिट। देखिए सेल्स इनटू पीवीआर बाय 100 करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को आपने माइनस किया तो आपके पास फिक्स कॉस्ट ही बचेगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में हम जानते हैं कि प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट ही होता है। इसी तरह अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो बाय 100, तो हमें फिर से क्या मिल गया कंट्रीब्यूशन, और इसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो प्रॉफिट ही होगा। भाई सेल्स इनटू पीवीआर बाय 100 ये कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करो तो प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट लेस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास लगभग सारी चीजें हो गई है, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर ली हमने और प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया हमारे पास, बीईपी कैलकुलेट हो गया, डिजायर सेल्स कैलकुलेट हो गई, सारी चीजें हमारे पास कैलकुलेट हो गई है। तो उम्मीद है कि अब हमें ये फार्मूले भी आप लिख लीजिए उन्हीं फार्मूले में, तो ये आपके 7 नंबर पे आ जाएगा और ये 8 नंबर पे आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने लिख ली, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक से है, बुक है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, आप कॉस्टिंग बुक में भी आप अगर है आपके पास तो आप उसमें भी ये चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं, आपको उसमें भी मिल जाएगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के नाम से मिल जाएगा या मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 13 होगा। और EFM पेपर 2 में यही चैप्टर आपको ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के नाम से आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको बुक में दिया हुआ है जो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, और जिससे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना भी आ जाएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन 3 है आपको गिवन, सेल्स आपको गिवन है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 150, तो सेल्स में से 150 को आपने लेस किया हुआ है 50,000, ये भी कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, इसमें से आपने लेस किया 30,000 तो प्रॉफिट आ गया 20,000। तो ये इतना क्वेश्चन पूरा आपकी बुक में गिवन है, आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है पीवी रेशो प्रॉफिट फॉर सेल्स रुपीज 3 लाख, यानी कि अगर आपका प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अगर आपकी सेल्स 3 लाख हो तो 3 लाख के लेवल पे आपको प्रॉफिट क्या होगा, ये एक बार क्वेश्चन है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपको कैलकुलेट करना है, बीईपी इन रुपीज ये आपको कैलकुलेट करनी है, और सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 30,000, अगर आपका प्रॉफिट 30,000 रुपए है तो आपकी सेल्स क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन है सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है 1,50,000, कंट्रीब्यूशन आपको गिवन है 50,000 और फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है 30,000, क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है आपको 20,000, ये पूरा क्वेश्चन आपको गिवन है, आपसे क्या क्या पूछा गया है
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपको क्वेश्चन में बताना है कितना होगा, और आपको क्वेश्चन में सेकंड नंबर पे पॉइंट बताना है प्रॉफिट फॉर सेल्स रुपीज 3 लाख, यानी कि अगर आपकी सेल्स 3 लाख रुपए हो तो प्रॉफिट क्या होगा, बीईपी इन रुपीज आपका क्या होगा, बीईपी सेल्स आपकी क्या होगी इन रुपीज आपको कैलकुलेट करके बतानी है, और सेल्स टू अर्न प्रॉफिट आपको 30,000 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए सेल्स कितनी करनी होगी, ये भी आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके बताना है। तो देखिए पॉइंट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सी अपॉन एस, पीवी रेशो फॉर्मूला मैंने आपको बताया सी अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100। तो कंट्रीब्यूशन सी का मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000, तो यहाँ पे आपने कंट्रीब्यूशन लिया 50,000। सेल्स आपकी सेल्स देखिए 2 लाख है, तो आपने सेल्स ली 2 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे ये आ गया 25%। तो देखिए पीवी रेशो आपने कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला आपने यूज किया कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन है 50,000, सेल्स आपकी 2 लाख इंटू 100 25%। अगर यहाँ पे सेल्स कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं होता तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके मैं कैलकुलेट कर सकता था 50,000, भाई सेल्स में से माइनस कर देते 50,000 150, तो मेरे पास 50,000 कंट्रीब्यूशन आ जाता। फिलहाल हमें गिवन है तो मैंने गिवन से यूज करके निकाल लिया। अब सेकंड नंबर पे मुझसे पूछा गया है अगर सेल्स 3 लाख रुपए हो तो प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सेल्स को मल्टीप्लाई करना पीवी रेशो से डिवाइडेड बाय 100। ये पीवी रेशो में जो 25% है तो ये परसेंटेज में है, तो मैंने यहीं पे इसको कर दिया बाय 100। ये फार्मूले में मैं लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, माइनस फिक्स कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में देखिए सेल्स हमारे पास गिवन है, ये वाली सेल्स नहीं लेनी है। अगर ये बोल रहा है 3 लाख रुपए की सेल्स हो तो यहां पे हम सेल्स 3 लाख एज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन है 3 लाख की माननी है। पीवी रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया 25 बाय 100, ये परसेंटेज की जगह 100 है, माइनस फिक्स कॉस्ट, क्वेश्चन में गिवन है फिक्स कॉस्ट 30,000। तो बस फॉर्मूले में आपको रखना है और आपका आंसर आपके साथ होगा। प्रॉफिट को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्स हमने 3 लाख ले ली क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सेल्स को आप 3 लाख मानिए। पीवी रेशो हमारे पास 25% है, तो 3 लाख का 25% 75,000 हो गया। फिक्स कॉस्ट अगर हम देखें तो 30,000 है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया 75,000 में से 30,000 लेस कर दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा 45,000। तो यहाँ पे पीवी रेशो आपने कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड आप सॉल्व कर चुके हैं, थर्ड और फोर्थ हम देखते हैं। तब तक आप वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसको इरेज करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो देखिए हमने 25% कैलकुलेट किया है, इसको लिख देते हैं हम, और प्रॉफिट फॉर सेल्स तो यहां पे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया 45,000 आया हमारे। अब बीईपी सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो देखिए बीईपी इन रुपीज, इन रुपीज का मतलब इन वैल्यूज, तो बीईपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए फिक्स कॉस्ट हमारे पास थी 30,000, पीवी रेशो हमारे पास 25% है, तो 25 बाय 100 होना था, ये 100 इंटू में चला जाता है, तो मैंने डायरेक्ट लगा रखा है यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,20,000। तो बीईपी आपका इन रुपीज में होगा 1,20,000। तो इस तरीके से आप बीईपी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट फॉर द सेल्स रुपीज 3 लाख, बीईपी इन रुपीज, और सेल्स टू अर्न प्रॉफिट। अब सेल्स टू अर्न प्रॉफिट मतलब अगर आपकी सेल्स 30,000 रुपए हो, सॉरी अगर आपका प्रॉफिट 30,000 हो तो आपको सेल्स बतानी है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में आप सेल्स कैसे निकालें, मतलब
यहां पे प्रॉफिट गिवन है और सेल्स पूछ रहा है, तो आप डिजायर सेल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिजायर सेल्स आपकी होगी फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे फिक्स कॉस्ट देखिए, आपके पास क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है 30,000, तो क्वेश्चन से आप फिक्स कॉस्ट लेंगे 30। डिजायर प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमाना है आपको, 30,000 का प्रॉफिट, तो सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 30,000, तो यहां पे प्रॉफिट आपको 30,000 कमाना है, तो 30,000 आपका डिजायर प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपके पास 25:100 है, तो 30-30 हो गए 60,000, और 60,000 × 100 25, तो 60,000 × 4 2,40,000, ये आपका आंसर हो गया। तो आपकी जो डिजायर सेल्स होगी वो ₹2,40,000 होगी। अगर आप 2,40,000 रुपए की सेल्स करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 30,000 रुपए होगा। तो इस तरीके से आप चारों क्वेश्चन के आंसर दे दिए जो आपसे क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करके बताते रहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमको बताइए, हम आगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वो वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सी यू अगेन। हाँ तो स्टूडेंट, हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास देख रहे हैं और ईएफएम पेपर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें आप ईएफएम पेपर 2 में ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी नाम से आपके चैप्टर होगा ये चैप्टर देख रहे हैं। इससे पहले भी हम वीडियो देख चुके हैं और आप निश्चित रूप से आपने वो वीडियो देखा होगा। अब हम इस चैप्टर को प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है सेल्स, आपको गिवन है 1,00,000 रुपीज, टोटल कॉस्ट आपको गिवन है 80,000। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको सेल्स गिवन है 1,00,000 रुपीज, टोटल कॉस्ट आपको गिवन है 80,000, फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है 20,000, प्रॉफिट आपको गिवन है 20,000। आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, बीईपी इन रुपीज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमें ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम सी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए, यहां पे हमें सेल्स तो गिवन है 1,00,000 और वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट जो आपको टीसी गिवन होती है, टोटल कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों का टोटल होती है। यहां पे टोटल कॉस्ट आप देखिए, आपको 80,000 गिवन है क्वेश्चन में और फिक्स कॉस्ट आपको 20,000 गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट का पता नहीं, जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट को आप इधर ले सकते हैं, 80,000 में से आप 20,000 माइनस कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा 60,000। तो इसका मतलब जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 60,000 के बराबर आएगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का टोटल है, तो अगर टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो जो बचेगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो 80 में से आपने 20 को लेस किया तो वेरिएबल कॉस्ट आपके पास बच गई 60,000। तो यहां पे आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो जो कंट्रीब्यूशन आपका आएगा वो आएगा 40,000। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशो, यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। फॉर्मूला होता है इसका सी अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100। सी का मतलब यहां पे कंट्रीब्यूशन है, एस का मतलब सेल्स है। कंट्रीब्यूशन आपने लिया 40,000, सेल्स आपकी 1,00,000 है और मल्टीप्लाई किया आपने 100 से, तो यहां पे पीवी रेशो आपको मिल गया 40%। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के बाद, पीवी रेशो कैलकुलेट करने के बाद, नंबर थर्ड पे आप कैलकुलेट करेंगे बीईपी। बीईपी का फॉर्मूला है आपके पास इन रुपीज में, मैंने आपको फॉर्मूला गिवन बताया था, फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में है पीवीआर के नीचे, 40/100 करते आप, ऊपर गया तो वो इनटू में हो जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे मैंने आपकी सहूलियत के लिए फॉर्मूले में ही लिख रखा है। फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 20,000, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपने कैलकुलेट किया 40 × 100 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा
50,000। तो आपका बीईपी इन रुपीज इस तरीके से, इन रुपीज में आपने कैलकुलेट किया 50,000। तो क्वेश्चन में हमसे तीन पॉइंट पूछे गए थे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आप फर्स्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, बीईपी पूछा गया था ये भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, और लास्ट आपको कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी। तो एक्चुअल सेल्स आप देख सकते हैं आपके पास 1,00,000 है और बीईपी आपके पास है 50,000। तो 1,00,000 में से आपने 50,000 को लेस किया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपके पास आया 50,000। तो इस तरीके से हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट कर लिए हैं और वो आंसर है 50,000। अब इसी के साथ मैं आपको यहां पे बताने देना चाहूंगा, अगर परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास 50,000 बची है, एक्चुअल सेल्स आपके पास 1,00,000 है और आपने उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आ जाती है 50%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप निश्चित रूप से मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, उनको मैं सही टाइम पे सॉल्व कर दूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, आगे फिर मिलते हैं। तो इसी टॉपिक में हम देख सकते हैं इस एक नया क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में देखिए सेल्स गिवन नहीं है। यहाँ पे 2 साल के डेटा हमारे पास हैं, फर्स्ट ईयर में जो हमारे पास टोटल कॉस्ट थी वो थी 4,50,000 और सेकंड ईयर में जो कॉस्ट हमें गिवन है वो है 6,50,000। प्रॉफिट जो आपको गिवन है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 50,000 है, सेकंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1,00,000 है। तो फर्स्ट ईयर की कॉस्ट और प्रॉफिट हमें गिवन है, अगर हम इन दोनों का टोटल यहीं पे कर दें तो हमें सेल्स मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है, कई स्टूडेंट इसी को सेल्स मानकर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन वहीं पे मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे पहले कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों का टोटल जो होगा वो सेल्स हो जाता है, तो इस तरीके से सेल्स को हमको कैलकुलेट कर लेना चाहिए। 650 और 1,00,000 टोटल सेल्स की हो गई 7,50,000। तो इस तरीके से आप सेल्स को कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप देखिए आपके पास सेल्स है, प्रॉफिट है और टोटल कॉस्ट भी है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, पीवी रेशो, बीईपी, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 1,25,000 और अर्न प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 3,50,000। जब 1,25,000 रुपए आपको लाभ कमाना हो तो सेल्स क्या होगी, और फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3,50,000 रुपए सेल्स हो तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, ये हमको बताना है। ये 4 क्वेश्चन हमको सॉल्व करके इसको आंसर बताना है, अभी बता देंगे, आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जैसे ही सेल्स पता हो गई तो सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की कैलकुलेशन की जाए। यहां पे सी हम नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट नहीं गिवन है। प्रॉफिट मेरे पास है, फिक्स कॉस्ट अगर होती तो मैं ऐड कर देता, तो मेरे पास प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाता कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आ जाता सेल्स गिवन है, सी अपॉन एस इन 200 करके मैं डिवाइड कर देता और मेरे पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आ जाता। या फिर वेरिएबल कॉस्ट होती, और अगर वेरिएबल कॉस्ट होती तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता तो कंट्रीब्यूशन आ जाता। तो दोनों ही केस में कंट्रीब्यूशन के लिए मेरे को वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट की जरूरत पड़ती, दोनों गिवन नहीं है कोई बात नहीं। 2 साल का डेटा है तो हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे जिस मेथड से अभी कर रहे थे, चेंजेज इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेज इन सेल्स इन 200। तो चेंजेज इन प्रॉफिट अगर अपन देखें तो देखिए 5,00,000 और 750, तो सेल्स में जो चेंज है वो है 2,50,000 का। तो सेल्स में जो चेंजेज है वो 5,00,000 से 750 हो गई, कितना चेंज हुआ 250 का। तो सेल्स में तो 2,50,000 का चेंज है और जो प्रॉफिट है 50,000 से बढ़कर 1,00,000 हो गया, तो कितने का डिफरेंस हुआ 50,000 का। 50,000 से बढ़कर 1,00,000 हो गया तो 50,000 का डिफरेंस है इन 200। तो इस तरीके से मेरे पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं हम 20%, 4 टाइम्स, हाँ बिल्कुल 20% आएगा ये भाई 20%। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करने के बाद फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए,
क्योंकि बीईपी का जो फॉर्मूला है वो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट है ही नहीं है तो आप लगाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे जो गिवन है वो टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों का टोटल है भाई, कोई वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है अकेली और ना ही फिक्स कॉस्ट अकेली है, इन दोनों का टोटल करके दिया हुआ है 450। तो हमें फिक्स कॉस्ट पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, सेल्स इंटू पीवीआर अपॉन 100। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया मेरे पास, कॉन्ट्रीब्यूशन में से लेस कर दो प्रॉफिट, तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। सेल्स कितनी है, दोनों में से जो ज़्यादा हो वो ले लो, मैंने ये कहा था। तो सेल्स सेकेंड ईयर की 750, तो यही यूज़ कर लेते हैं 750। तो सेकेंड ईयर की सेल्स मैंने कैलकुलेट कर रखी है 750, वो ले ली। पीवी रेशो देखी 20% था, वो ले लिया। तो 750,000 का 20% हमने निकाला, 150,000, इसमें से लेस कर दो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमारा 1,00,000। तो इस तरीके से जो फिक्स कॉस्ट आएगी वो 50,000 भाई, 750,000 का 20% अगर आप देखें तो ये हो जाएगा अपने पास 1,50,000, इसमें से लेस कर दो ये 1,00,000, तो 150 में से 1,00,000 गया तो आपके पास बचेगा 50,000। पीवी रेशो भी आ गया आपका, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपका था कितना 20% निकाला है आपने। फिक्स कॉस्ट हमने निकाली है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको याद रहे 50,000 है, ये हमने कैलकुलेट की है। अब बीईपी को अगर हम कैलकुलेट करें तो बीईपी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बीईपी का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो था फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो फार्मूला तो यही होता है, जो परसेंटेज में है वो इसलिए ऊपर चला जाता है, इनटू 100 हो जाता है। तो ये बीईपी का अपना फार्मूला था इन रुपीस में, तो ये आपको इन वैल्यू जो हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट थी अपनी कितनी थी 50,000 आपने कैलकुलेट की थी अभी, पीवी रेशो आपका 20 था, इनटू 100 आपने किया तो ये 5 टाइम्स इससे कैंसिल हो गया, और ये 50,000 इनटू 5 किया आपने 2,50,000, ये आपकी बीईपी आ गई। तो इस तरीके से आप बीईपी कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपकी होगी 2,50,000। जैसे ही आपकी बीईपी आ जाती है 2,50,000, अब आप सेल्स टू अर्न प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपको, यानी कि ये कह रहा है अगर आपको 1,25,000 रुपए का लाभ कमाना हो, अगर आपको 1,25,000 रुपए का लाभ कमाना हो तो जो सेल्स होगी वो कितनी होगी, ये जानना चाह रहा है। तो ये भी हम अभी इसको कैलकुलेट करके बता देते हैं कि भाई हमें 1,25,000 का प्रॉफिट अर्न करना हो तो सेल्स कितनी हो। तो इसके लिए डिजायर सेल्स का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास 50,000 थी, डिजायर प्रॉफिट अगर हम देखें तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,25,000 रुपए का लाभ कमाना है, 1,25,000 का प्रॉफिट आपको अर्न करना है। पीवी रेशो अगर देखा जाए तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपने 20% कैलकुलेट कर रखा है, तो 20 × 100। तो देखिए 50,000 और 1,25,000 ये हो गए 1,75,000, 20 और इंटू 100 तो आपने कैंसिल किया तो 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। 175 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 175 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1,75,000 आपका आंसर होगा। यानी कि अगर आप 8,75,000 रुपये का माल बेचेंगे या आप 8,75,000 की गुड सेल करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1,25,000 का। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1,25,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको 8,75,000 की सेल करनी होगी। तो हमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, जो सेल्स होगी वो 8,75,000 होगी। अभी इसी क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, अर्न प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 350, अर्न प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 3,50,000, यानी कि 3,50,000 रुपए की सेल्स हो तो प्रॉफिट क्या होगा, जानना चाह रहा है आपसे। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, यहां पे आप प्रॉफिट का फार्मूला यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो हमने आपको बताया था सेल्स इनटू पीवीआर, इतना ही कर दीजिए, वो तो रेशो में है तो इसलिए मैं परसेंटेज में है बाई 100 लगा देता हूं, माइनस फिक्स कॉस्ट।
वैसे लगाना नहीं चाहिए। सेल्स अगर देखा जाए तो आपकी जो सेल्स है वो 350 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको सेल्स एज्यूम करनी है 350,000। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो अगर आपका देखा जाए तो वो था 20%, तो 350,000 का 20% 70,000 हो गया। 70 में से फिक्स कॉस्ट 50,000 आप लेस कर दीजिए, तो इसका 20% आ गया 70,000, माइनस किया आपने 50,000, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो होगा 20,000। यानी कि अगर आप 350,000 का गुड्स सोल्ड करेंगे तो आपको उस पर जो प्रॉफिट होगा वो 20,000 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक पे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप निश्चित रूप से उसको कमेंट करिए, हम उसको निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे। बाकी अपना ध्यान रखें और मास्क का यूज़ करें। थैंक यू।